भारतीय पौराणिक कथाएं भय और आश्चर्य की भावनाओं को जगाने वाली कहानियों से भरपूर हैं। ऐसी एक कहानी है देवी दुर्गा की। हजारों साल पहले महिषासुर नामक एक अत्याचारी राक्षस था। वो आधा दानव और आधा भैंस था। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए हजारों साल तक तपस्या की ताकि वो अमरत्व प्राप्त कर सके। बहुत तपस्या के बाद उसकी योजना सफल हुई। भगवान ब्रह्मा उसके पास आए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। बिना पलक झपकाए अभिमानी महिषासुर ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि कोई भी पुरुष या देव मुझे मार न सके। भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ब्रह्मा की आंखों की चमक इस बात का संकेत दे रही थी कि वरदान मांगते समय महिषासुर से शायद कोई भूल हो गई है। इसके बाद महिषासुर स्वयं को अमर मानने लगा क्योंकि कोई भी पुरुष या देव उसको मार नहीं सकता था। अपने आक्रोश और अहंकार में महिषासुर ने पृथ्वी को तबाह कर दिया। उसने स्वर्ग से सभी देवताओं को भी भगा दिया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे और उनको इस घटना के बारे में बताया। कुछ समय तक सोचने के बाद उन्होंने एकजुट होकर एक दिव्य प्रकाश की उत्पत्ति की। एक ऐसा तीव्र प्रकाश जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस दिव्य प्रकाश से 10 हाथों वाली आदि शक्ति रूपी देवी दुर्गा प्रकट हुई। एक एक करके सभी देवताओं ने दुर्गा को कई शस्त्रों से सुसज्जित किया। भगवान विष्णु से उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। ब्रह्मा ने उन्हें एक कमंडल दिया। सागर के देवता वरुण ने उन्हें तीरों से भरा एक तरकश प्रदान किया। मृत्यु के देवता यम ने उन्हें एक शक्तिशाली राजदंड दिया। भगवान इंद्र से उन्हें एक वज्र प्राप्त हुआ। विश्वकर्मा ने उन्हें एक कुल्हाड़ी प्रदान की। काल ने उन्हें एक प्रखर तलवार दी। भगवान इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने उन्हें एक घंटी दी जिसकी ध्वनि से दानव भ्रमित हो जाते थे। भगवान शिव ने उन्हें एक त्रिशूल दिया। हिमालय ने देवी दुर्गा को सवारी के लिए एक सिंह भेंट किया। इन सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देवी दुर्गा महिषासुर से युद्ध करने को तैयार थी। महिषासुर के बीच 10 दिनों तक घमासान युद्ध चला। 10वें दिन देवी दुर्गा महिषासुर का सर काटने में सफल हुई। अंततः जीवन का संतुलन वापस ठीक हो गया। इसी विजय को प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा एक 10 दिनों का महोत्सव होता है। इसी दिन भगवान राम ने रावण का भी वध किया था।